हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं स्क्रॉपियो यानी वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी, जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग होगी। और यहाँ मैं कार शफल करूँगी, आप चाहें तो कार की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टेंस पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट रेड के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर हम टैरो डेक के साथ स्टार्ट करें तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि अभी आप में से काफ़ी स्क्रॉपियो जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में हैं। कुछ लोगों का अभी रिसेंटली सेपरेटेड हुए हो सकते हैं आप में से कुछ कपल्स, और कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप चल रहा है। और अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी परेशानियाँ, दुख और चिंताएँ आपको घेरे हुए हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के के पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे या हैं, और काफ़ी परेशानी भरा समय आपने देखा है और इसी वजह से नींद भी रातों को आपकी डिस्टर्ब चल रही है, नाइटमेयर्स वगैरह फेस कर रहे हैं, इसी तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। काफ़ी तनाव और चिंताओं से घिरे हुए आप लग रहे हैं। और यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है डेथ कार्ड, तो ये स्क्रॉपियो आप ही को बताने वाला कार्ड माना जाता है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपने देखे हैं अपने जीवन में, काफ़ी चेंजेस को आपने फेस किया है और ये चेंजेस सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कैरियर में देखे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ जैसा हम देख रहे हैं रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में और आप एक एंडिंग के बाद नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ दिख रही हैं। और अगर हम आप में से काफ़ी लोगों के लिए देखें तो स्क्रॉपियो आपके जो पर्सन हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्क्रॉपियो, पाइसिस, यानी वह भी आप ही की तरह वृश्चिक राशि के हों, कर्क और मीन राशि के भी हो सकते हैं, और उनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में थे या हैं और काफ़ी तनाव भरा समय आप लोगों ने देखा है और काफ़ी गुस्से और नाराज़गी से आप अभी भरे हुए हैं। कुछ हुआ है आप लोगों में से, काफ़ी लोगों के बीच में मे भी अभी आप लोग फाइट वगैरह से गुजरे हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कुछ परेशानी भरा या मनमुटाव जैसी स्थितियाँ आप लोगों के बीच में रही हो सकती है और इसी वजह से आप काफ़ी अभी अपने पर्सन से यहाँ नाराज़ दिख रहे हैं और कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जो सिंगल हैं वो भी काफ़ी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ आप देख रहे हैं और ये रिश्तों में ही प्रॉब्लम्स को बताने वाला कार्ड माना जाता है क्योंकि कप्स एनर्जी है। तो आप काफ़ी तनाव में यहाँ दिख रहे हैं, पर यहाँ आपके लिए टू ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यहाँ ये मैसेज होगा कि सब कुछ आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगा, थोड़ा ट्रस्ट करें यूनिवर्स को और डिवाइन टाइमिंग का आप वेट करते हैं। तो आपके लिए ये कह सकते हैं बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाला टाइमिंग लेकर आ रहा है क्योंकि टू ऑफ कप्स और उन पे डिवाइन लाइट इस बात का सिंबल है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं और आप उनके साथ में भी अभी काफ़ी हार्ड टाइमिंग आपने देखा है, पर एक डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों के लिए फिर से रिश्ते बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत जल्द एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आने वाला है दिसंबर के मंथ में, ऐसा आपके लिए मैसेज है। और यहाँ
सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप में से सभी स्कॉर्पियो के लिए ऐसा लग रहा है जो सिंगल्स हैं स्पेशली, उनके लिए काफ़ी चॉइसेस होगी। बहुत सारे प्रपोजल्स आपको एक साथ आ सकते हैं दिसंबर के मंथ में, और चॉइस आपको देगा यूनिवर्स कि आप किसे चूज़ करते हैं और किसे नहीं करते हैं, इस तरह का आपके लिए होने वाला है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी है कि आपके पास काफ़ी सारे रास्ते होंगे अपने पर्सन से कनेक्ट होने के, या काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। इसी तरह का कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। और यहाँ अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें आपके लिए, तो टू ऑफ वांड्स आया है, तो कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि वो कोई पर्सन हो या उनकी फैमिली भी हो सकती है जो राज़ी नहीं है आपके रिश्ते को लेकर। इसी वजह से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं आपके पर्सन, और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसे चूज़ करें और किसे ना करें, इस तरह की स्थिति उनकी दिख रही है। पर वो आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम देखते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ नो कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो एज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के भी आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं। बड़े सिटी एरिया से हैं आपके पर्सन और काफ़ी वाइस हैं, और वाइसली एक्ट करते हुए वो आपको चूज़ करें, इसकी काफ़ी यहाँ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। पर थोड़ा उनको टाइमिंग इसमें वो लेंगे, पर आप ही को चूज़ करेंगे ऐसा दिख रहा है। कि हाँ, अगर हम देखें तो टेम्परेंस का कार्ड है, तो जो सिंगल्स हैं स्कॉर्पियो गर्ल्स एंड बॉयज़, उन दोनों के लिए यहाँ मैं पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आपके लिए ऐसे कोई पर्सन आ सकते हैं जो सैजिटेरियस हों यानी धनु राशि के हों, और काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी डिसेंट होंगे, खूबसूरत होंगे, जो आपको अप्रोच कर सकते हैं दिसंबर के मंथ में, या इनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, और किसी तरह से ये दिसंबर में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी के पर्सन हैं और बहुत वाइस हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, नर्सिंग इनका फील्ड हो सकता है, डॉक्टर हो, नर्स हो, या मेडिकल स्टूडेंट हो, इस तरह का भी इनके लिए लग रहा है। और आपका रिश्ता जो है इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं एंजल विंग्स हैं, तो और यहाँ एंजल विंग्स भी है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे। और जो परेशानी आप लोगों ने रिश्तों में देखी है, उससे ऊपर उठकर आप लोगों का रिश्ता एक बैलेंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दिसंबर के मंथ में। इसी तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, और काफ़ी आपके पर्सन भी बहुत कोशिश करेंगे दिसंबर के मंथ में रिश्तों को ठीक करने के लिए, और ये उनकी कामयाब कोशिश होगी, क्योंकि एंजल विंग्स हैं तो डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग। और यहाँ अगर हम देखें ओशो जैन कार्ड से, जो आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का, और ये ओशो जैन कार्ड से ही लिया है, इस बार न्यू ही हमने लिए हैं ये कार्ड्स। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस जो काफ़ी टाइम से स्टक थी, वो अब आपके लिए ख़त्म होने वाली है, और थोड़ा सा अगर आप अपना कह सकते हैं एफर्ट्स लगाते हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए रिश्ते बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर उसके लिए थोड़ा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है लेटिंग गो का, तो जो स्कॉर्पियो रिश्तों से बाहर आ चुके हैं और नई शुरुआत चाहते हैं, तो उनके लिए यह है कि आपको थोड़ा सा लेट गो करना होगा। अगर आप उनके साथ ही फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पास्ट इश्यूज़ को भुलाना होगा। और अगर आप किसी और नए रिश्ते के लिए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास्ट को आप लेट गो कीजिए। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, ऐसा आपके लिए यहाँ मैसेज आया है। और यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में आया है गिल्ट का कार्ड, तो ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ में भी अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, या नो कॉन्टेक्ट में है, या आपकी उनसे बात नहीं हो रही, या कुछ कपल्स का जैसे यहाँ प्रॉब्लम फुल टाइमिंग रहा है, तो आपके पर्सन को काफ़ी गिल्ट है, और मे बी वो आपसे इस चीज़ को लेकर बात करे या सॉरी फील करे, और किसी तरह से वो आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि 8 नंबर आया है, तो जस्टिस का नंबर है, वो चाहते हैं आपके साथ न्याय करना। इसी तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे दिसंबर के मंथ में। और यहाँ एनर्जी ऑरेकल डेक से कार्ड देखें, तो आपके लिए एंजाइटी का कार्ड आया है स्कॉर्पियो, तो आप में से काफ़ी लोग अभी काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइमिंग से गुजरे हैं, और मानसिक अवसाद जैसी स्थितियाँ, डिप्रेशन जैसी टाइमिंग से आप लोग गुजरे हो सकते हैं, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। मे भी कुछ लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब है, और कुछ लोग पर्सनली भी अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, एनर्जी ऑरेकल डेक से आया है कार्ड मैन होल्डिंग ए हार्ट एनर्जी के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं दिसंबर के मंथ में। और 4-5 नंबर आया है, जिसे आप ऐड करते हैं तो 9 नंबर होता है, तो 9 नंबर उनका कुछ किसी तरह से सिग्निफिकेंस
यहाँ आप देख रहे हैं मैन होल्डिंग ए हार्ट एनर्जी आई है आपके लिए। तो कस्प इस दोनों के लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होंगे, लविंग, केयरिंग और रोमांटिक हो सकते हैं ये पर्सन, जिनसे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या आप इनसे मैरिज प्रपोजल के थ्रू मिल सकते हैं दिसंबर के मंथ में। और काफ़ी गहरी और खूबसूरत आँखों वाले होंगे और डार्क ब्राउन इनके हेयर्स हो सकते हैं और काफ़ी कह सकते हैं रोमांटिक और लविंग केयरिंग एनर्जी वाले पर्सन हैं ये। और आपका एक बहुत जल्द इनके साथ डीप कनेक्शन बन जाएगा। और अगर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि आपके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे, काफ़ी आपके लिए लविंग और केयरिंग नेचर रखेंगे और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होगा। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ लव का। एंजल ऑफ लव बात करते हैं एक टेंडर लव की, यानी प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है जिनके साथ रिलेशनशिप में है। फिर से आपके लिए रिश्ते स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक न्यू बिगनिंग को बताता है ये कार्ड। और वहीं जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए एक नया मैरिज प्रपोजल या एक न्यू रिलेशनशिप स्ट्रांगली आ रहा है। और यहाँ रेड फ्लावर्स दिखाए गए हैं इनके हेयर में, तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक, लविंग और केयरिंग होंगे। अगेन कंफर्मेशन है, तो ये पर्सन आपके लिए आ सकते हैं दिसंबर के मंथ में। और यहाँ द विजडम ऑफ हिडन रिलीम ऑरेकल डेक से हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है द फोनिक्स। और यहाँ जो की वर्ड्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सरेंडर टू चेंज। जी, आपको थोड़ा सा मे बी आप अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, तो आपके लिए है कि आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हीलिंग की तरफ लेके जाना है ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से या सॉलमेट कनेक्शन में, आप में से काफ़ी लोग जाने वाले हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि यहाँ 29 नंबर आया है जिसे आप अगर ऐड करते हैं 2 + 9 = 11 होता है। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आपको कुछ ऐसे साइंस दिखे जिसके थ्रू आप जान पाएं कि आपके ट्विन फ्लेम या सॉलमेट कौन हैं, इस तरह का भी यहाँ लग रहा है। पर उससे पहले आप में भी अभी काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, दोनों कार्ड्स इसी तरह के हैं और कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट करें डिवाइन टाइमिंग का। और यहाँ कार्ड देखें तो सिस्टर ऑफ सीजन्स का कार्ड है और साइकिल ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। जी, इसी तरह के कीवर्ड्स आए हैं। फिर से आपको डिवाइन ने ये मैसेज दिया है कि आपको डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना है और जो नेचुरल लॉ है वो आपके साथ होगा। नंबर 17 आया है, 1 + 7 = 8 आया है, तो जस्टिस आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। और डिवाइन टाइमिंग को आप ट्रस्ट करें और नेचुरल लॉ को आप माने, यानी प्राकृतिक रूप से आपको न्याय मिलेगा होता है, तो जस्टिस होगा आपके साथ। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और यहाँ द वेल वॉचर का कार्ड है और विजडम पावर ऑफ द डिवाइन। जी, आपसे ऐसे पर्सन जुड़ सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या काफ़ी ये बहुत समझदार पर्सन होंगे गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। और 7 नंबर इनका बर्थडे डेट हो सकता है या 7 वो डेट हो सकती है, 7th of December को आप फर्स्ट इनसे मिलें और किसी तरह से आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में, लाइफ पर्पज़ में। और ये पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं दिसंबर के मंथ में। और काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत समझदार हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, इस तरह से आप उन्हें जान सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है मैच्योर वुमन का। तो आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं वो मैरिड हो सकते हैं, यानी आपके पर्सन या आप में से कोई ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा हैं और उनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, पर और उनका बर्थडे डेट हो सकता है 6 नंबर। इस तरह की एनर्जीज कुछ स्क्रॉपियो के लिए लग रही है, सबके लिए नहीं है ये। और ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो भी मैच्योरिटी से बिहेव करेंगे। अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं या आपके फ्रेंड हैं या आपके जो भी कह सकते हैं पार्टनर हैं, वो पर्सन जो है वो काफ़ी मैच्योरिटी से बिहेव करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, इस तरह का भी लग रहा है। और चाइल्ड का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मैरिड हैं और उसके बाद आप रिलेशनशिप में हैं और इसी वजह से बच्चों को लेकर कुछ मैटर्स हैं आप लोगों के बीच में, या आपके पर्सन मैरिड हैं उनके बच्चे हैं, चाइल्ड जो है वो भी किसी तरह से आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस बात की भी यहाँ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। पर यहाँ आपके लिए ओरेकल डेक से ही कार्ड आया है कॉर्टशिप का। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपसे कह सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे ही मिलें फर्स्ट, और
वहाँ आपकी फर्स्ट इनसे मीटिंग हो सकती है और काफ़ी कंपेटिबल होंगे ये पर्सन आपके साथ, कह सकते हैं फर्स्ट आपको इनसे मिलते ही बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन आपको फील होगा और काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। और बॉय होंगे तो ये काफ़ी हैंडसम होने वाले हैं, और अगर गर्ल हैं तो वो काफ़ी डिसेंट और ब्यूटीफुल गर्ल होंगी। और ये आपके कलीग्स में से कोई हो सकते हैं, या आप कहीं काम के सिलसिले में जाएँ फर्स्ट वहाँ इनसे मिलना हो सकता है आपका। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में एक कॉर्डशिप भी आप लोगों के बीच में रहेगी दिसंबर के मंथ में। काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में रहेगा और काफ़ी रिश्ते बैलेंस हो जाएंगे, स्पेशली दिसंबर के मिड में आपके लिए ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और यहाँ काफ़ी बातें मुलाकातें कपल्स की होती हुई दिख रही है। और आपके लिए कार्ड आया है 7 of Ottoman का, और जो मैसेज है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, एब्रिडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। जी, आपके कैरियर से भी काफ़ी अच्छा टाइमिंग रहे, कैरियर के लिए भी आपके लिए दिसंबर के मंथ में काफ़ी अच्छा टाइमिंग रहेगा, काफ़ी पैसा आने वाला है। और आपको यहाँ पेशेंस रखने के लिए कहा गया है और चिंता ना करने के लिए कहा गया है फेरीज की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर प्लान करते हैं तो बहुत सारी प्रोस्पेरिटी या वेल्थ भी आप आने वाले टाइमिंग अपने लिए देख पाएंगे, ऐसा भी मैसेज है। और जो फेरी टैरो डेक से ही कार्ड लिया है वो आया है हमारे पास, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आए हैं, चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट और पैशनेट और रेस्टलेस। जी, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये पर्सन आ सकते हैं, जो काफ़ी चार्मिंग होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत आत्मविश्वास से भरे होंगे और पैशनेट होंगे। ये थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं। और यहाँ जो मैसेज है, इमीडिएट एक्शन एंड चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप। जी, आपके साथ इनका पैशनेट रिलेशनशिप बन सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, इमीडिएटली एक्शन लेंगे। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो बहुत लोगों के लिए चांस है कि वो बात करें, और क्योंकि यहाँ वो रुकने नहीं वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज है और काफ़ी कह सकते हैं चैलेंजेस को बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे, इसी तरह का मैसेज आया है। तो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए बहुत कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन, इसी तरह की एनर्जीज में वो दिसंबर में रहेंगे। और यहाँ अगर हम देखें यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड से, हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ यूनिकॉर्न का, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी विजन एंड पावर। जी, आप ब्लेस्ड रहेंगे दिसंबर में और काफ़ी आपको कह सकते हैं पावर दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, काफ़ी आप निर्णय कर पाएंगे और आप में स्ट्रेंथ आएगी, और इसी तरह की आपके लिए यहाँ मैसेज आया है। और यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है प्रॉम्प्टिंग का, और जो मैसेज है, कॉल ए फ्रेंड टुडे। जी, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या आप किसी से फ़ोन कॉल एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई आपके क्रश हैं, तो उनकी तरफ से फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, और ये दिसंबर के मंथ में आपके लिए होने वाला है। और अगर आप अगर उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आपके पर्सन अपनी दिल की बातें आपसे काफ़ी करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, और ये आपके लिए फ़ोन के थ्रू हो सकता है, स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं जो स्कॉर्पियो सिंगल हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं दिसंबर के मंथ में, उनके जॉडिक साइन और अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, और वहीं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। फर्स्ट अगर हम उनका अल्फ़ाबेट देखें जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में, जी नाम से हो सकता है उनका नाम, एक्स, कुछ लोगों के एक्स भी बैक हो सकते हैं, और एस नाम से हो सकता है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एम नाम से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यू भी हो सकता है, वाई भी हम ले लेते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं। और जोडिक साइन अगर हम देखें तो एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, मेष राशि के हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और कुछ लोगों के लिए कैंसर भी हो सकते हैं, और एक और ले लेते हैं, लियो भी कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं, ये उनके जेडिक साइन होंगे। और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, और बींग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल, आई मिस यू। जी, आपके पर्सन आपसे दूर होकर बहुत परेशान हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ What I want to say to you, जी आपके पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है, और You make me smile when nobody can, जी आपके पर्सन ये भी मैसेज दे रहे हैं, और कुछ और मैसेजेस भी हम ले लेते हैं, I love the way you always encourage me to do my best, एक मैसेज और ले लेते हैं, I like you because you support me and love me,
आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, जी आपकी पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है। तो आपके लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।